तो मैं आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे मैं हूँ शलता। तो आज मैं एक और चैलेंज वीडियो लेकर आई हूँ, वो है 24 आवर्स चैलेंज। चैलेंज चैनल मतलब क्या हो रहा है यार, ब्लॉपर्स ही हो रहे हैं सिर्फ। सो ये मेरा थर्ड नंबर टेक है जो मैं ले रही हूँ, क्योंकि इतने ब्लॉप हो रहे हैं। जो भी हो, तो जी हाँ, अभी अभी मैं नहाकर उठी हूँ, इसीलिए शावर लिया है अभी अभी, तो इसीलिए थोड़े बाल भी भीगे हैं। तो जो भी हो, चलिए बात करते हैं आज का चैलेंज लेकर। आज का चैलेंज होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, और आज का चैलेंज मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि इससे पहले जो दो चैलेंज मैंने कंप्लीट नहीं किए थे, जो कि था लिविंग इन अ एयरपोर्ट फॉर 24 आवर्स, लिविंग इन अ स्वामी विवेकानंद जी हाउस फॉर 24 आवर्स। जी हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हो वो मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है कि मैं वहाँ पे जाकर आराम से 24 आवर्स रह सकूँ। तो वहाँ पे परमिशन की एक बात है कि वो वहाँ आप लोगों को कितने टाइम तक रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। तो जो भी हो, वो चैलेंजेस मैंने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो क्या हुआ, मैंने वादा किया था कि आप लोगों के साथ के नेक्स्ट चैलेंज में ज़रूर कंप्लीट करूँगी, नहीं तो आप लोग मुझे पनिशमेंट दे सकते हो। तो मैं पनिशमेंट नहीं लेना चाहती, तो आज का चैलेंज मैं कंप्लीट करके ही छोड़ूंगी। तो आज का जो चैलेंज है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। जी हाँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को कुछ हटके कुछ नया। तो पहले बात करते हैं क्या है चैलेंज, जो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मतलब टाइटल देखकर। तो आज का जो चैलेंज है, कुछ दिन पहले ही गया था शिवरात्रि, तो उस दिन मैंने ये चैलेंज कंप्लीट किया था। इंट्रो नहीं हुआ था, तो वही इंट्रो मैं अभी बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ इंट्रो बना के, फिर एडिट करके मैं आज अपलोड कर दूँ। 24 आवर्स के लिए फास्ट रखना है, जी हाँ, ये तो हम सब लोग करते हैं, मतलब फास्ट तो वैसे ही रखते हैं। तो मैंने कहा क्योंकि क्यों ना इसे एज अ चैलेंज लिया जाए। जी हाँ, तो शिव जी का व्रत भी मैं रखूँगी, और इस बार मैं अकेले नहीं मैंने रखा था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर रखा था। तो उन्होंने भी कहा जी हाँ, मैं भी रखता हूँ आपके साथ। तो बहुत ही मज़ा आया था, सारा दिन इतना मज़े किए थे हम लोगों ने। जी हाँ, मतलब व्रत रखने में एक अपना ही मज़ा है, सारा दिन भगवान जी का नाम जाते रहो, फिर मंदिर जाना, फिर घर पे आके मतलब फास्ट रखना, फास्ट का खाना वगैरह खाना, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो चलिए देखते हैं मैंने उस दिन क्या क्या किया था, मतलब क्या क्या फास्ट में लिया था। तो ऐसा ही चैलेंज है कि सारा दिन हम लोग फास्ट रखेंगे, फास्ट में जो भी हम खाते हैं वही हम खाएंगे। जी हाँ, तो वैसे तो सुबह सुबह उठ गए थे, जल्दी जल्दी उठ गए थे, काम वगैरह सब कुछ कर मंदिर वगैरह होकर खाना मैंने कुछ बनाया, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर हम लोग गुजरात में गए थे, तो गुजरात में आंटी जी के हाथों में बहुत सारे फास्ट के मैंने खाने सीखे हैं, जैसे साबूदाना की खिचड़ी, और जो हम लोग घर पे खाते हैं जो चावल होता है काउन का चावल, समा का राइस जो होता है व्रत में खाते हैं, और राजगिरा का आटा, तो इससे व्रत के बहुत सारे खाने बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ खाना मैं सीख कर भी आई थी, तो इसीलिए मैंने इस बार का शिव जी का व्रत भी वैसे ही रखा था। लास्ट ईयर भी मैंने मतलब सारा दिन मैंने ट्रैवल किया था, फिर रात को जाकर मैंने अपना व्रत तोड़ा था, तो इस बार मैंने दोपहर को अपना व्रत तोड़ा है। जी हाँ, चलिए देखते हैं, मैंने बनाया था लंच में साबूदाने की खिचड़ी, तो वो कैसे बनाई थी चलिए देख सकते हो। साबूदाने को मैंने भिगो के रखा हुआ है करीब करीब 1.5 घंटा के करीब, मैंने ठंडे पानी में भिगोया है, ठंडा मतलब जो रूम टेम्परेचर में वाटर होता है उसमें ही मैंने भिगोया है। और इधर मैंने पीनट को थोड़े से भून लिए हैं, और इधर मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप चाहो तो घी भी ले सकते हो, पर मुझे रिफाइंड ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज जो रेड हो गए हैं वो डाली है कलरफुल के लिए, और आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में फ्राई होने दिए हैं, थोड़े से जो व्रत का नमक होता है उसी नमक के साथ मैंने इसको फ्राई होने के लिए रखा है। मैंने क्या किया है, साबूदाने को पानी से उठाकर इसे पानी निकालने के लिए ऐसे रखा हुआ है ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए और मेरी जो खिचड़ी एकदम सूखी सूखी बने। और यहाँ पे इसे ढककर नहीं फ्राई करना है, नहीं तो आलू एकदम मतलब पानी छोड़ देगा, तो हमें खुला ही ऐसे फ्राई। आलू एकदम फ्राई हो गए थे, उसके बाद मैंने पीनट्स डाल दिए थे, और उसके बाद मैंने पानी से उतार कर मतलब निचोड़ कर पूरा ये साबूदाना डाल दिया है। तो अच्छे से इसे सूखा सूखा ऐसे मिलाते रहेंगे, जब थोड़ी देर 2-3 मिनट तक इसे मिलाते रहेंगे, उसके बाद हम इसमें जो सेंधा नमक है मेरा व्रत का नमक है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा सा हाफ नींबू हाफ लेमन स्क्विच कर ऊपर से डाल दूंगी, तो हो जाएगा मेरा व्रत का जो साबूदाने की खिचड़ी रेडी। और हाँ, सर्व होने से पहले मैं चॉप्ड किया हुआ धनिया पत्ता भी डालूंगी, देन इट्स रेडी टू ईट।
फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा हो। खाने में भी इतना टेस्टी था मैं क्या बताऊं। अगर आप ऐसे ही कम ऑयल में बनाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पर खाने के टाइम ज़रूर गरम-गरम अगर परोसते हो तो अच्छी बात है, अगर ठंडा हो जाए तो खाने के टाइम पर ज़रूर उसे गर्म कर लीजिएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी भी होती है। तो चलिए, इस दोपहर का लंच तो मेरा कंप्लीट हो गया था। हम लोगों का एक पपीता, और बहुत बड़ा वो पपीता था और इतना मीठा भी था, तो अच्छे से हम लोगों ने लंच कंप्लीट कर लिया था। देन हम लोग इवनिंग तक चाय वगैरह थोड़ी सी पी, और रात को जो वो कॉर्न लाए थे, जो कहते हैं ना कॉर्न, क्रिस्पी कॉर्न वैसा कुछ कहते हम जो खाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में जाकर, तो वो कॉर्न लाए थे, तो कॉर्न का मैंने हल्का सा फ्राई किया था बस वो करके। चलिए देख लेते हैं, मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो मैंने कैसे किया था। व्रत के लिए स्पेशली अगर हम करते हैं तो वो कैसे करते हैं, तो वही बनाया था। और बनाकर हमारी जो रात का जो डिनर टाइम हमने लिया था, तो उसको करके हम लोगों का डिनर कंप्लीट हो गया। पहले तो आप लोगों को कॉर्न लेना है, उसे अच्छे से 2-3 मिनट तक बॉईल कर लेना है हल्का सा नमक डालकर, तो ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे पानी से निकाल कर थोड़ी देर सूखने के लिए रखना है। आप लोगों को कॉर्नफ्लावर के साथ अच्छे से, मैं इसको धीमे आँच में पका रही हूँ ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। और मैं इसी में अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी। नमक सावधानी से डालना है क्योंकि मैंने बॉयल टाइम थोड़ा सा नमक डाला था, और अभी मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और ऊपर से नींबू डाल दूंगी, नींबू का रस डाल दूंगी। और अगर आप चाहो तो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा ऑनियन चॉप कर डालना है और जिंजर गार्लिक ग्रेट कर डालना है, तो एकदम आपका रेस्टोरेंट स्टाइल में ही होगा। पर मैं ऐसा बना रही हूँ ताकि ये आप लोग वेज डे में भी खा सको, एंजॉय कर सको, और जो व्रत का दिन है उसमें भी आप इसे अच्छे से एंजॉय कर। रेडी विथ माई हेल्दी नाश्ता, जो कि एकदम घर पे बनाया हुआ। और अगर आप इसको डीप फ्राई करते हो तो दिस इज नॉट हेल्दी, पर आप इसको शैलो फ्राई करते हो अगर थोड़ा सा ऑयल में, तो एकदम टेस्ट आपका रेस्टोरेंट जैसा लगेगा। मुझे तो बहुत मुंह में पानी आ रहा है, मैं और रुक नहीं पा रही हूँ। तो चलिए टेस्टी स्नैक्स। सो रियली इट वॉज अ ऑसम डे, बहुत ही अच्छा था। स्पेशली मैं इस बार पहली बार हुआ था कि मैंने अकेले ने नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी व्रत रखा था। वैसे जो मेरे मायके में है, मेरी मम्मी, मैं और भैया, हम तीनों मिलकर व्रत रखते थे, और मेरे इन लॉज के घर पे मेरे सासू माँ व्रत रखती है। और इस बार मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर, मतलब जोड़िया ने मिलकर हम लोगों ने व्रत रखा था। इस बार का जो स्पेशली व्रत वाला वीडियो था मेरे लिए सच में बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि पहली बार मेरे हस्बैंड ने व्रत रखा था, और वो भी मेरे साथ शिवरात्रि का व्रत रखा था। सच में ये वाला व्रत मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ मेरा ये व्रत वाला चैलेंज भी कंप्लीट हुआ था। तो ये वाला चैलेंज मैंने कंप्लीट किया है, मैंने आप लोगों के साथ जो वादा किया था वो मैंने लोगों की बारी है। बस मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना और ऐसे ही ढेर सारा प्यार बांटते रहना। तो फिर मिलेंगे एक नए चैलेंजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करो। इतनी प्यारी प्यारी रेसिपी, दो दो मैंने प्यारी प्यारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी प्यारे प्यारे वीडियोस आप लोगों को। मैं ये भी बताती जाऊँ, एक और नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ लिविंग वाला चैलेंज करूँगी, और वो बहुत ही ऑसम होने वाला है। तो बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कर देना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा नेक्स्ट चैलेंजिंग वीडियो का। जी हाँ, कुछ और चैलेंजिंग वीडियो किस बारे में भी सोच रही हूँ, देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। सिर्फ ब्लॉपर से हो रहे हैं, ब्लॉपर से हो रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। बाय बाय।